इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच जेडीयू कोटे से समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि महागठबंधन अटूट है, जेडीयू की एनडीए में जाने की बात अफवाह है, भाजपा बेवजह एनडीए में आने की बात को हवा दे रही है। जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बीजेपी आरजेडी और जेडीयू में दरार पैदा करना चाहती है, बीजेपी आपस में लड़ाने और भड़काने का काम कर रही है। बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार साथ आ जाएं, चुनाव में इंडिया गठबंधन 40 की 40 सीट जीतेगी, बीजेपी का बिहार में एक भी खाता नहीं खोलने देंगे। कोई दम नहीं है और दम होता तो वो इतना ललायत नहीं होते। आज भी उनका मन कहाँ है हम लोग समझ रहे हैं, आज भी वो यह चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी उनके साथ आ जाए, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हम लोग को आपस में जो है कहीं ना कहीं भड़काने का, लोगों को मैसेज देने का काम कर रहे हैं, जबकि हमारा गठबंधन एकजुट है। और आप यह समझ लीजिए कि जो 2024 में चुनाव होगा, इंडिया गठबंधन सभी लोग एकजुट होकर के लड़ेंगे और 40 का 40 सीट इंडिया गठबंधन जीतेगी। और उसमें जो हमारा सीट है जनता दल यू का, आप सबको मालूम है कि 16 सीट पर हम लोग लड़े थे और जीते थे, वह 16 सीट हम लोग जीतेंगे और 40 का 40 जीतेंगे। एक भी खाता भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर में नहीं हम लोग खोने देंगे, और यही उनका दर्द भी है। भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि एक भी सीट उनको बिहार में कम से कम नहीं मिलने जा रहा है। बीजेपी राम मंदिर का उद्घाटन कर रही है, कितना प्रॉब्लम। वहीं अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मदन सहनी ने कहा, राम सभी के हैं, किसी पार्टी के नहीं, हम लोग विरोधी नहीं हैं, बीजेपी और रामचंद्र जी का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। देखिए, राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है ये तो सब देश के लोग जान रहे हैं, बिहार के लोग भी जान रहे हैं, हम लोग भी जान रहे हैं। हम सभी लोगों का आस्था अपने अपने धर्म में है और भगवान रामचंद्र जी सबके हैं और किसी पार्टी के नहीं हैं। एक तो यह समझना चाहिए, और हम लोग इसके विरोधी नहीं हैं। एक जो सबसे बड़ी हम लोग को विनम्र लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, खास करके जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि रामचंद्र जी को उन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जोड़ करके देख रहे हैं और लोगों को भी यह मैसेज दे रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी और रामचंद्र जी का कहीं कहीं दूर दूर से कोई नाता नहीं है। बरसों पहले हम लोग व्यक्तिगत रूप से यह कह सकते हैं कि श्री रामचंद्र जी को जो सबसे प्रिय मित्र थे गुहू महाराज जी, वो हमारे पूर्वज थे और हम लोग उसके वंशज हैं। और रामचंद्र जी को जब नाव से पार करने का भी नौबत आया तो केवट नहीं पार करने का काम किया था, हम लोग उस वंशज के लोग हैं। रामचंद्र जी से हम लोग का भी नाता है, सीता माता हम लोग की हैं, बिहार की, मिथिलांचल की, और जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी का रामचंद्र जी से, माता सीता से कोई नाता नहीं है। ये लोग धर्म के नाम पर अपना काम चला रहे हैं। शिक्षा मंत्री तो कुछ और ही कह रहे हैं, उनका जो कहना है वो जाने, जो हमको कहना है हमने कहा है कि हम लोग भारत के हैं और भारत धर्म निरपेक्ष देश है। जब हम दूसरे के धर्म को आदर करते हैं तो हम सभी लोग अपने धर्म को भी मानेंगे। बता दें कि मंत्री मदन सहनी ने कर्पूरी जयंती समारोह की तैयारी को लेकर राजकीय अतिथिशाला में जेडीयू कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान मंत्री ने आगे बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर इस माह के अंत तक सीट शेयरिंग का काम पूरा हो जाएगा। जेडीयू अपनी जीती हुई सभी 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इंडिया गठबंधन में एकजुटता अभी कायम है, जेडीयू और आरजेडी का जोड़ कोई तोड़ नहीं सकता है, बीजेपी जीरो पर आउट होगी। पंजाब की केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।